गाने के साथ साथ हमने भी शुरू कर दिया था। जिसकी जिस चीज की स्पेशलिटी होती है वो उसी चीज में ठीक रहता है। ये स्पेशलिटी आप लोगों की है, आप आपके जोनर में ठीक हो, अपन अपने जोनर में ठीक हो। ये कोशिश करी मैंने गाने की कि आगे अब अपने हिसाब से Yeah।
इंसान की उम्मीद बढ़ जाती है। ऐसी उम्मीदें हर जगह नहीं बढ़ती। विनती है, गुजारिश है, अगर गा सकते तो गा लीजिए, नहीं तो हम तो गाएंगे। और बाबा ने तो सुंदर सुंदर हाथ दिए, अपना काम तो करते ही है। इसके दरबार में आकर के अगर इन हाथों से तालियां ना बजाई तो फिर इन हाथों का क्या होगा? फिर वो बोला ही कहनी पड़ेगी ना, तेरे भजन
मेरे जीने का अंदाज़ बदल
किसी को कभी किसी भी मिल सकती। आइए जो लोग इस दौलत से दौलतमंद
नजर आता है।
हमने ये देखा है और हमने ये महसूस किया है। जाते जाते यही दो लाइनें, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। हम जैसे पापी, हम जैसे नालायक, जब आपके दरबार आए थे तो शायद ये भी कहना ढंग से नहीं आता था कि बोलिए हारे के सहारे की। कितनी कृपा करोगे आप, इतने दयालु, जो जो इस दयालु देव के बारे में एक बार सब लोग को पता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम, जो जो मानते हैं इस चीज को एक बार पूरे पूरे हाथ और अंत में एक बार मिलके जो भी माइक का कमी हो गया।
दोनों में नहीं है। तो एक माइक रवि भैया, एक माइक का और एक माइक रवि बोले खाटू नरेश की और भाई संजू शर्मा भी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में रवि भैया गाएंगे। अब तो धमाल सब और उसके बाद में संजू भी है और सबसे पहले बाहर एक टीम जी।
सूचना है हमारे पुरुषोत्तम जी खाटू से बता रहे हैं, इनका मोबाइल नहीं मिल रहा है। यदि किसी के पास में मिल गया हो या किसी के पास में हो तो जरूर सूचना दें। अब हमारे बीच भाई रवि, अरे भैया वहां से सब उठ कर पंकज जी कंपनी बैठ गया। अरे पीछे कुछ नहीं, पीछे आके बैठ जाओ। यहाँ जाओ प्लीज, सामने वाला पहले पकड़ा जाता है, याद रखना। लगभग दो साल के बाद में सबसे पहले सभी शाम प्रेम को मेरा जय श्री श्याम, आदरणीय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या बात, जिनको श्रृंगार अच्छा लगा एक बार दोनों हाथ उठाकर कि बाबा ऐसा श्रृंगार ऐसे दर्शन में रोज कराओ, दोनों हाथ उठाकर श्याम प्यारे की लहराते देखे हैं हमने, यही है
बार जरा ऐसी निशान यात्राओं के लिए हाथ उठाकर जरा ताली बजाकर सपनों में जो आते
अच्छा जो लोग टुकड़ियों में बैठे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, कोरोना काटने लग रहा है। आजकल तो भजनों में भी बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, मतलब पता नहीं कितने सारे एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, सोच सोच कर बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग उसको काट छाट कर ऐसा पेश करते हैं कि लगेगा पता नहीं मैं ना जाने मैंने क्या क्या कह दिया। बाबा के दरबार में कहते रहोगे दूर चौखट से, रहोगे दूर चौखट से तो बस खोना ही खोना है, तेरी किस्मत में है बंदे फकत रोना ही रोना है। आ इधर मेरे बाबा के दरबार में, उधर पीतल है इधर सोना ही। तो जो लोग बाबा के पास आए जरा जरा जल्दी जल्दी आ गया, हो बाबा इतने भी तू कर दे सच में इस दरबार में कोई रो रहा हो उसके लिए कौन कौन हाथ उठाएगा, पूरे हाथ उठाकर बजरी
जब पहली बार आपको कोई भी जाता है उसके लिए हल होता है। मैं बिहार में आया पत्थर से दरबार पे सर पे रखा तुमने हाथ में सर पे रखा तुमने जिनको जिनको बाबा का सर पर हाथ चीखने हाथ लगे ये जरा ताली बजाकर मैं बिहार में जी
घबराए मन में राज मुझको
चमत्कार दिखलाता है, चमत्कार दिखलाता है।
एक बार खुले हाथ उठा, ताली मत बजाओ, अगल बगल बैठो किसका किसका हाथ नीचे, जरा पकड़ के उठाओ, एक भी हाथ नीचे नहीं, ये पूरी लाइन जमीन पर।
आपने बनाया। अब आपके सामने अगला रखा हो
और आप सोचो इसमें सितार बजेगा, कभी बस सुनता है सितार रखना हो, आप सोचो उसमें वायलिन बजे, कभी बस सकते। अभी अलग बात है हमारे भाई भाई उस बजे में सब बजा देते हैं, लेकिन उसकी भी उसका भी एक क्राइटेरिया है, एक एक जगह पे आके उसमें भी फुल स्टॉप लग जाता है, इसमें इतना ही हो सकता है इससे ज्यादा। तो प्रभु हम गलत है सही है आपके तो बनाए हुए, आपको तो हमारा क्राइटेरिया बना है, क्या कर सकते फिर हमारे कर्मों को क्यों देखते हो?
पास है, जब तक ताली नहीं बजाओगे, भजन साथ में नहीं गाओगे, मैं लगा दूंगा ये भजन को खत्म करना है। लेकिन जो आनंद खाटू धाम में हम लोगों ने कीर्तनों में लिया है वो शायद तब तक नहीं हुआ जब तक उसी तरह से सुचारू रूप से कीर्तन प्रत्येक धर्मशालाओं में शुरू नहीं हो जाते, वो आनंद शायद ही आएगा। सच्ची बात है, झूठ बात है, वो तो बात की बात है। यहाँ तो आनंद से एक जयकारा लगा होता है, जोरदार पूरे पूरे हाथ उठा, खाटू धाम में ऐसा जाएगा, पूरे पूरे हाथ उठा। Thank you.
गौतम भाई, ओ गौतम भाई थोड़ा सा हाँ जी अच्छी ना जाओ बोलिए खाटू नरेश की जय। बेलक का तार की जय। बोलिए श्याम प्यारे की जय। कल से बहुत परेशान था कि शायद 35 या 36 साल में पहली बार ये दरबार छूट रहा था। बाबा ने आज लाज रख ली, जोत के दर्शन हो गए, जोत हो गई, हाजिरी लगवानी, कोई ना कोई गलती करी उसके कारण इतनी देर तक दूर रखा। लेकिन दयालु भी बड़ा है, कान पकड़कर बोला बाबा और कोई सजा दे दे दरबार से दूर मत कर, और बाबा ने कृपा कर दी। इसलिए आइए, जाना तो मेरी शक्ति नहीं है, दो दो आएंगे और समापन के सब हमारे सम्मेलन का समापन करेंगे, दो दो आएंगे। जिनको ये लाइन से लगे कि उसमें आप भी कनेक्ट हो रहे हो वो बोलना, और जिनको लगे कि ये मेरे लिए नहीं है वो नहीं भी बोलेंगे तो चलेंगे। हारे हाथा है सगड़ा की बाबा जीवन डोर, चापरिया चलती करसी, चापरिया चलती।
Thank you.
बातें न करें बहन जी, वो बहन जी हेलो नहीं कर रहे। बताए 9 तारीख को दिल्ली जाना था, नहीं जा पाए, कल नहीं जा पाया। मुझे ये भी मालूम मुझे लाइट चल रहा है, लेकिन जिसने जिस जगह ने मुझे श्याम बाबा के बारे में बताया वहां नहीं पहुंच पाता तो शायद प्राणी नहीं रहते। बड़ी हिम्मत बाबा ने दी और आकर खड़ा हुआ तो बाबा को बोला बाबा वो कीर्तन में नहीं कुछ बोलने दिया, दो लाइन हाजी में लगवा ली। सच बताऊं कि जो दो शब्द भी निकल रहे हैं बस यही इसी तरह निकल रहा है, प्लीज ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो चार मिनट। कुछ नहीं लॉकडाउन के बाद फ्लाइट खुली, खाटू भी लोग पहुंचने लगे, लेकिन जो चेन थी ना वो टूट गई। चेन टूटने के बाद में जब सब कुछ सही हो जाएगा तब जाएंगे। एक दिन रात को सोने की कोशिश किया, मन में ख्याल आया अरे पगले कहां है तू, अरे पगले कहां है तू, उसको देख और तू अपने आप को देख। सारी रात मैं सो नहीं पाया, मन में ख्याल यो आवे, मन में ख्याल यो सतावे। सारी रात मैं सो नहीं पायो, मन में ख्याल सतावे। बड़े बड़े काम नहीं,
कि भैया ये काम करवा दो। अरे भैया मैं तो आज कलकत्ता में नहीं, मैं तो बॉम्बे में। लेकिन ऊपर वाला हो तो भाई कोई बात नहीं, मैं बंबई में हूँ, लेकिन चिंता मत करो, आज का शुक्रिया बहुत अच्छा। लेकिन इसका निवारण मेरा ऐसा नहीं है, जीरो के लिए भी और हीरो के लिए भी आवाज यहाँ से निकलनी चाहिए। कहीं पे भी हो बहुत काम बनाना है, छोटी छोटी बात है काम बनाता है, छोटी छोटी बात लगाने लगा, छोटी छोटी बात लगाने लगा, कितना ही दूर कितना ही दूर काम बनाए, कितना ही दूर काम बनाए। Thank you.
हमारा और इनका रिश्ता सेम है। अगर माँ बेटे का और बाप बेटे का रिश्ता इनसे मांगते हो तो जैसे हम अपने बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं वैसे ये भी ट्रीट करता है। अगर हमारे अगर चार बेटे हैं, हमारे अगर चार बेटे हैं और तीन को तीन ठीक ठाक है अच्छी अवस्था में और एक कमजोर है तो पहले उस पर नजर पड़ती है कि ये ठीक ठाक हो जाए। तो वैसे ही हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमारा अभी काम बाकी है लेकिन चाहत का कोई अंत नहीं है। चाहत बढ़ती जाएगी और नरेंद्र मोदी पर जाकर भी नहीं टिकेगी। चाहत की कोई अडवाणी जी बैठे रह गए चाहत के लेकर। हमने हम पर कृपा करी दरबार में बराबर बुला रहा है बाप बेटे को बुला रहा है तो फिर मस्ती में जाएं और छोड़ दें इसके ऊपर कि अभी मेरा छोटा भाई कोई मुझसे ज्यादा गरीब है अभी उनकी सेवा कर रहा है मेरा बाबा भी उनकी बात देख रहा है। कि मुझे इसको मेरी दरकार है सब वो आ जाएगा। कैसे कुछ ना मिला कानून समय अटक जाएगा जिस दिन ये बिना बोलने का देगा।
54वें वार्षिक उत्सव के लिए श्री श्याम कला भवन की तरफ से समस्त श्याम प्रेमियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आइए और समापन करेंगे श्याम शंकर मोती भाई, पूरा 24 घंटे से संचालन करते हैं। आइए बोल खातू नरेश की जय। ये एकदम सत्य है कि ये साक्षात बाबा का चमत्कार है, क्योंकि मैं दो दिन से इसके घर पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि न बोलने की न उठने की हिम्मत, मतलब बेड से बाथरूम भी जा रहा तो चाचा दीदी बुखार। तो हमने तो ये सोची थी, उम्मीद ही नहीं थी कि भाई की हाजिरी लगेगी। ये बाबा का एकदम पक्का सच्चा चमत्कार है। और आरती हो उसके पहले मैं यही चाहूंगा कि सज्जू भाई से कि विकास भैया, सज्जू भैया, मनु भैया